सो गाइस, आप सभी का स्वागत है रॉयल एसपी गेमिंग के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड। तो पिछली बार हम गए थे एंड सिटी में और मैंने एंड सिटी को लूटा था और मैंने करीब 4 इलाइट्रा को इकट्ठा किया है। और अभी मेरे पास एक है, इसके अंदर मैंने मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 डाल दिया है जिससे ये अभी टूटने वाली नहीं है। और भी जो 3 है उसको भी मैंने इंचेंट कर दिया है। तो आज हम जाने वाले हैं नेदर में और वहाँ से हम वेदर स्कल लेके आएंगे और फिर हम वेदर से फाइट करेंगे। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है वेदर स्कल कलेक्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। तो चले चलते आज के वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ किया है, इसको दिखाओ। उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर दूर थोड़ा सा एक कॉन्वेट लगा के रखा है जिससे मुझे अंडर वाटर ब्रीथिंग और नाइट विजन मिल सके। और यहाँ जो सेम चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे भी बना दिया ताकि आयरन कॉलम के स्पॉन रेट थोड़े से बढ़ जाए। यानी वहाँ पे तो कोई स्पॉन ही नहीं हो रहा था, सारे इस तरफ स्पॉन हो रहे थे। तो इस तरफ जब मैंने फार्म बनाया तो सब इस तरफ स्पॉन हो रहा है अभी। मैंने यहाँ पर अंडर ड्रैगन के हेड लगाए, मेरे पास 4 हेड है तो मैंने यहाँ पर लगाए है। और यहाँ पर देखो मेरे पास 4 इलाइट्रा है, जो चारों के अंदर मैंने यही इंचेंटमेंट डाल रखी है। और यहाँ पे भी मैंने 2 हेड लगा के रखे हैं जस्ट ऐसे ही। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक चेंज किया है, यहाँ पे सारे विलेजरों को मैंने रख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो देख ही सकते हो सबको मैंने एक एक जगह पर रखा है। और जो भी लाइब्रेरियन थे उन सबको मैंने यहाँ पे रखा है। इनमें से मुझे एक दो की ट्रेड को चेंज करके फार्मर बनाना है ताकि मैं उनसे इन्फिनिटी एम्ब्रल ले सकूं। तो यहाँ पे वो वाली जगह और वो तो है ही, और देख रहे हो आयरन ऑलमोस्ट 6, 7, 8 स्टैक आयरन हो चुका है। अभी चलते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ नेदर में। तो फाइनली और आधा घंटा वेस्ट करने के बाद मुझे फाइनली फोर्ट्रेस तो मिल चुका है। तो अभी मुझे यहाँ पे रह के विदर को फार्म करना होगा, यानी विदर हेड को। ओके, मिल गया यार, आखिरकार बेहतर हेड मिल गया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि हम अगली बार जाएंगे वेदर फाइट के लिए, जो कि असली वेदर फाइट होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर सेट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।